जोधपुर के फालोदी में शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुरंजा पक्षियों में से करीब 37 पक्षियों ने दम तोड़ दिया है और इनके मौत की वजह कीटनाशक खाने को बताया जा रहा है। सात समंदर पार से आने वाले मेहमान पक्षी कुरंजा हमेशा हल्की ठंड शुरू होने पर यहाँ आते हैं और गर्मी के दस्तक देने पर यहाँ से रवाना होते हैं। हाल ही में हजारों की तादाद में आए कुरंजा पक्षियों में से कुछ की जोधपुर के फालोदी गांव में गुरुवार को मौत हो गई। पक्षी प्रेमी सेवाराम का कहना है कि इस साल प्रवास पर आए हजारों पक्षियों में से करीब 37 पक्षियों की मौत कीटनाशक खाने से हो गई। गौरतलब है कि बीते 6 सालों में 100 से ज्यादा कुरंजा पक्षियों की मौत हो चुकी है और मरने वाले कुछ पक्षियों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि इनकी मौत कीटनाशक खाने से हुई है और कुछ के मरने की वजह जहर को बताया जा रहा था क्योंकि इनके मुंह से सफेद झाग निकलते देखा गया था। यह ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि विदेश से प्रवास पर आए पक्षियों की मौत कीटनाशक खाने से या जहर खाने की वजह से हुई हो। हाल ही में हुए 14वें कॉप सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और बढ़ते रेगिस्तान जैसे मुद्दों का हल निकालना था। साल 2022 फरवरी में भारत में प्रवासी पक्षियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे में प्रवासी पक्षियों की मौत बहस का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।